आका तुझे क्या कहा जाए, तू यूसुफ का हुसन लेके आया, तू ईसा का दम लेके आया, तू मूसा का यद लेके आया, तू आदम की अनाबत को लेके आया, तू नूह की इस्तिकामत को लेके आया, तू यूसुफ के हुसन को लेके आया, तू ईसा के दम को लेके आया। यूं महसूस होता था कि अल्लाह ने सारे नबियों के हसाइस को तेरी जात में जमा कर दिया है। जब मेरे उस नबी के मुकाम की बात आती है तो फिर पता क्या कहना पड़ता है कि सारी कायनात के सुलहा एक तरफ हों, सारी कायनात के शुहादा एक तरफ हों, सारी कायनात के सिद्दीक एक तरफ हों, सारी कायनात के नबी एक तरफ हों, सारी कायनात के रसूलुल्लाह एक तरफ हों, यहाँ तलक के उलट अदम रसूल भी सब के सब एक पलड़े में डाल लिए जाएं, अल्लाह ताला की कसम है ये सारे जमा होकर भी सैयदना मुस्तफा की अजमत का मुकाबला है। लेकिन हजरात गिरामी कदर मेरे नबी के दम का आलिम पता क्या है, पुख्ता मिंबर को तामीर किया, खजूर के तने के साथ टेक लगा के खुतबा दिया करते थे। बुखारी शरीफ की हदीस है, किसी किस्सा गो मौलवी का वाक्या नहीं है। हजरत ग्रामी कदर पुख्ता मिंबर को तामीर किया, उस तवाना के दरहत ने हजरत रसूलुल्लाह की याद के अंदर रोना शुरू कर दिया। हजरत रसूलुल्लाह पास आते हैं, उसको थपथपाते हैं, सीने के साथ लगाते हैं, खजूर के तने ने रोना बंद कर दिया। वाओ, दुनिया ईसाइयों से ताल्लुक रखने वाले पादरियों, सैयदना रूहुल्लाह ने उसको जिंदा कर दिया जिसमें जिंदगी की हरारत मौजूद थी, लेकिन सैयदना रसूलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से उसको जिंदा कर दिया जिसमें जिंदगी की हरारत भी मौजूद थी। अल्लाहु 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 अल्लाहु